जय श्री राम दोस्तों, जय हनुमान। कैसे हो आप सब लोग? सवारी तो आती है पर सवारी झूठ बोलती है, सवारी के वचन झूठे हो जाते हैं, असत्य हो जाते हैं, और जिस कारण से फिर आपका विश्वास उस सवारी से उठ जाता है। तो आखिर ऐसा क्यों होता है कि सवारी भी आ रही है, माँ की सवारी आ रही है या किसी अन्य देवता की सवारी आ रही है, और वह सवारी झूठ बोलना शुरू कर देती है। उसके हिसाब से फिर आप जो कार्य करते हो वो सफल नहीं हो पाता, जिससे आपका आत्मविश्वास बिल्कुल घट जाता है, आपका विश्वास टूट जाता है, और आप उस शक्ति को देवी या कोई सवारी या देवी शक्ति मानने से इनकार कर देते हैं, और केवल एक भूत प्रेत की नज़र से ही आप देखना शुरू कर देते हैं। क्या होता है कि जब कोई व्यक्ति सेवा शुरू करता है किसी देवी या देवता की, तो धीरे धीरे ऊर्जा कांश जो है उसके शरीर के अंदर एकत्रित होना शुरू हो जाता है। उसकी आभा में, उसकी ओरा में वो जो ऊर्जा का अंश है ना, वो धीरे धीरे इकट्ठा होना शुरू हो जाता है। जैसे मैं आपको एक उदाहरण बताऊं, जैसे एक छोटा बच्चा होता है, वो एकदम पैदा होता है और उस बच्चे की देखभाल हमें करनी होती है, उसे खाना खिलाना, उसको नहलाना पिलाना, ये सब पेरेंट्स की ड्यूटी होती है। बच्चा स्वयं नहीं कर पाता खुद से, क्योंकि ये सब कार्य हमें करने होते हैं। उसी प्रकार से जब आप पूजा शुरू करते हैं तो ऊर्जा की जो तरंग आती है वो एक कच्ची तरंग होती है, जब आपके शरीर के अंदर होती है तो उसको आपको पालना होता है, एक तरीके से उसको मजबूत बनाना होता है, और धीरे धीरे वो ऊर्जा की तरंग बड़ी होती है। एक ऐसा समय आता है जब ऊर्जा की तरंग एक दूत का रूप धारण करती है, एक वीर का रूप धारण करती है। जब वह दूत बन जाता है तो वह आपकी हर प्रकार से रक्षा करता है। जब वो वीर बन जाता है या फिर किसी देवी या देवता का रूप ले लेता है, तो वो फिर वो सवारी के रूप में भी आपके साथ चलता है और बिना सवारी के रूप में भी आपके साथ चलता है, और आपके हर प्रकार से मदद करता है। वचन भी आपके सत्य करता है, जो बोलता है वो सच होता है। पर क्या होता है जब एक व्यक्ति पूजा शुरू करता है तो जो कच्ची तरंग होती है उस देवता की, तो उसमें दो चीज़ें होती हैं, एक तो आप स्वयं रहते हैं और एक वो शक्ति होती है, वह तरंग रहती है। तो शुरुआत में 10% तरंग मिलती है आपको, फिर 20% आपको मिलती है, फिर 30%, फिर ऐसे ऐसे आपकी तरंग बढ़ती है, और जैसे तरंग आपकी बढ़ती है वैसे वैसे आपका जो विवेक है वह धीरे धीरे कम होता चला जाता है, और वह शक्ति 80% 90% तक जब आ जाती है ना, तब आपको कुछ आभास नहीं रहता कि आपके साथ क्या हो रहा है, क्या आप क्या बोल रहे हैं, क्या नहीं बोल रहे हो। आपकी जुबान पर आपका कंट्रोल नहीं रहता है, साथ साथ में शब्दों पर कंट्रोल नहीं रहता है, और वो सत्य होने शुरू हो जाते हैं। पर कई लोग क्या करते हैं, 20% पर या 30% सवारी आई या तिरंग आई तो घर वाले उसको माता या बाबा पूर्ण रूप से बोलना शुरू कर देते हैं कि ये तो बाबा है, ये माता है। अभी वो माता और बाबा पूर्ण रूप से धारण नहीं किया, उसने वह शक्ति पूर्णता को प्राप्त नहीं हुई, पर अभी से ही आप उसे पूर्णता बोलना शुरू कर देते हैं, पूर्णता समझना शुरू कर देते हैं। तब क्या होता है, तब ये होता है कि अगर आपके घर में कोई दिक्कत आती है तो आप क्या करते हो, बुलाना बेटा, बुला ले माता को, माता से हम पूछते हैं या बाबा से हम पूछते हैं। अब जिसके शरीर पर देवी या देवता आ रहा है उसका शरीर हिलता है, उसको ज्ञात सब कुछ होता है, 30% शक्ति आ रही है, 70% वह व्यक्ति खुद बैठा है,
उसका दिमाग चल रहा है, शरीर हिल रहा है। अब देखने वाले जो घर परिवार वाले हैं वह सोचते हैं कि माता आ गई, और वो फिर उससे सवाल जवाब करना शुरू कर देते हैं, और फिर सवाल भी ऐसे करते हैं कि जिनकी कोई हद नहीं। यानी अगर उनको छींक भी आ गई ना तो भी वो उनके बारे में पूछने लग जाते हैं। अगर उनके एक्सीडेंट हो गए उनके बारे में पूछना शुरू कर देते हैं, अगर काम धंधा नहीं चल रहा तो उसके बारे में शुरू कर देते हैं। अब वो माता की तरंग से 20% 30% है, पर 70% तो वो व्यक्ति बैठा हुआ है। तो उस व्यक्ति का दिमाग, क्योंकि 70% है तो सबसे ज़्यादा उसका दिमाग चलता है, और जो शक्ति है उसको तो 20 से 30% वाली जो शक्ति है वो तो उसके शरीर में हिला रही है बस उसको। तब मजबूरन वो व्यक्ति उसको अपने परिवार की भलाई के लिए वो बोलना पड़ता है। जब वो पूछे तो जैसे वो कहते हैं कि इसका रिश्ता हो जाएगा, तो वो बोल देता है कि हो जाएगा, तो 2 महीने में उसका रिश्ता नहीं होता है। तो फिर क्या होता है, झूठा कौन होता है? वो व्यक्ति झूठा नहीं होता, वो शक्ति झूठी हो जाती है। माता जो आती है वह माता नहीं है, माता के वचन झूठे ही नहीं हो सकते। पर आपने ये कभी समझा ही नहीं है कि माता क्या होती है, या देवी आ रही है तो पूर्णता तो है नहीं, कितने अंश आ रहे हैं उसके, कितनी ऊर्जा आ रही है। तो इस तरीके से कई वचन झूठे होने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि वह पूर्ण रूप से नहीं आते हैं। और कभी भी आप देखना इस बात को, जिस घर में शक्ति आ रही है वह शक्ति उस घर के भले के बारे में ही बोलेगी, वह शक्ति उस घर के बारे में ही बोलेगी, उस घर का कल्याण हो, उस घर का भला हो, या वह उस घर में बरकत हो। वह कभी भी हित नहीं बोलेगी, हित के ही बारे में ही बोलेगी। और उस घर से अभी कई लोग ऐसे पूछना शुरू कर देते हैं कि हमारे घर में जो बहू है उसको बेटा होगा या बेटी, ये ऐसे सवाल पूछने लग जाते हैं। अब वो बोल देता है, लड़का जिसके ऊपर सवारी आती है उसके ऊपर वो बोलता है कि मान लो लड़का हुआ या लड़की, माता तूने तो ये बोला था। फिर उनका विश्वास डगमगाना शुरू हो जाता है वहाँ से। फिर वो उसको देवी या देवता नहीं, अन्य कोई दे मतलब भूत प्रेत बोलना शुरू कर देते हैं, और जिसके ऊपर आ रही है उसका भी विश्वास धीरे धीरे कटता चला जाता है पूजा से। और फिर वो चौकियों पर ढूंढना घूमना शुरू कर देता है, दरबारों में घूमना शुरू कर देता है। ऐसे समय का फ़ायदा कई ऐसे भगत तांत्रिक लोग उठाते हैं जो नालायक होते हैं और लोगों का कल्याण की वजह से नुकसान करते हैं। वह आपकी उस कच्ची सिद्धि को, उस कच्ची शक्ति को उतार लेते हैं, और आपके पास जो था वो भी चला जाता है। फिर आप ये कहते हैं कि हमें अनुभव नहीं हो रहे, फिर आप कहते हैं कि जो पहले सवारी आती थी वह अब आती ही नहीं, वह फील ही नहीं होती। क्यों? क्योंकि आपने अपने पैर पे खुद ही कुल्हाड़ी मार ली। क्योंकि आपको विश्वास अपनी शक्ति पर होना चाहिए, आपको इन छोटे छोटे पहलुओं को जानना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि शक्ति आ रही है तो पूर्णता क्यों नहीं आ रही है। अगर शक्ति आ रही है तो आखिर ऐसा क्या है कि वह शक्ति झूठ बोल रही है? उसका कारण आपको पता होना चाहिए कि क्यों वो शक्ति झूठ बोल रही है आपसे। कहीं ऐसा तो नहीं है कि शक्ति तो पूर्ण रूप से काम कर रही है पर उसकी जो ऊर्जा पूर्ण रूप से काम नहीं कर रही है, या ऊर्जा पूर्ण रूप से है ही नहीं? अब इन सब चीज़ों के बारे में जब आपको ज्ञात होगा, पता होगा, तभी आप इन चीज़ों को बहुत गहराई से समझ सकते हैं। वरना फिर आप इन चीज़ों में ही लटके रहेंगे कि शक्ति आती है झूठ बोलती है, और उसके बाद मैं फिर आप पूजा पाठ बंद कर देंगे। इससे लोग, कई लोग जो है ना वो नास्तिक बन जाते हैं, पूजा पाठ बंद कर देते हैं। उसका सबसे बड़ा जो रीज़न होता है, कारण जो होता है,
वह कि आप उस शक्ति को बहुत ज़्यादा टॉर्चर करते हैं, उन प्रश्नों को पूछते हैं जिनका कोई हद ही नहीं है। सपने में यह देखा, अब क्योंकि घर की मुर्गी दाल बराबर आपके घर में देवी आ रही है, शक्ति आ रही है, तो आप क्या कहते हो कि कोई भी सपना आपने देखा और बुलावा और आपने पूछा, देवी को पूछते हो आप कि क्या था सपने में, बुलावे माता को बुलाया, माता का बुलावा आया। तो इन चीज़ों का बहुत ध्यान आपको रखना होगा। ये चीज़ें जो है ना, खेल नहीं होता है बच्चों का कि आप बार 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 शक्ति से पूछ रहे हो। तो मुझे आशा है ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय श्री राम दोस्तों, जय हनुमान।